और बब्जी बिल्कुल भी हाथ में नहीं आ रहा, बहुत तंग कर रहा है। इसको टिक्स निकलवाना पसंद नहीं। मारो अभी एक। ओहो अच्छा मारेगा तू उसको। तो ये है स्पॉट ऑन फिप्रोनिल एंड मीथोप्रिन स्पॉट ऑन सॉल्यूशन। बड़े वालों में टिक्स ना जल्दी से दिखाई नहीं। जल्दी से काटो फिर। हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अमितोलॉजी। और आज हम करने वाले हैं दोनों बच्चों का यानी कि लेडी ओली और बब्जी के टिक्स के रिमूवल। फिलहाल हम लोग आए हैं हमारी छत पे क्योंकि यहाँ पे रोशनी अच्छी है, ओपन में देखा भी अच्छे से जाता है कि टिक्स कैसे रिमूव करेंगे। मेरे साथ टिक्स रिमूव करेगा मनीष जो कि हमारा एक एम्प्लॉई ऑफिस का और बहुत बड़ा डॉग लवर है। इसके पास भी दो दो डॉग है। उसको मत उठा, वो तेरे को तंग करेगा। इसको बिठा चेयर पे लेडी ओली को। पंगे मत ले, चल बिठा लेडी ओली को। बब्बे नो बब्जी सिट बब्जी नो। और बब्जी बिल्कुल भी हाथ में नहीं आ रहा, बहुत तंग कर रहा है। आई थिंक ये लेडी वाली को देख के ज्यादा एक्साइट हो गया है ना। ये बोल रहा है मेरे को बांध दे यहीं पे, बांध दे तभी ये टिकेगा। बेटा टिक्स बहुत हो रहे हैं बॉडी में, ये ना इसको अपना मास्क नहीं पसंद आ रहा बिल्कुल भी। बब्स बब्जी यार ये सबसे बढ़िया था मेरा। सिट 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 सिट। इसके तो होएंगे बहुत मेन मेन जगहों पे देख लेंगे ना पहले। मनीष कहाँ कहाँ मिलते हैं ज्यादातर टिक्स बॉडी में बता सकते? ज्यादातर ना आपको कान पे मिलेंगे। हाँ। और इसके इधर मिलेंगे। हाँ। और सबसे ज्यादा और पैरों के बीच में इधर मिलेंगे। इन्हें जो टिक्स होते हैं ना वो कमजोर जगह जो नरम खाल होती है ना जहाँ पे खून आसानी से चूस किया जाए वहाँ पे, वहाँ पर ज्यादा होते हैं। गर्दन पे भी बहुत मिलते हैं, इनकी आंखों के ऊपर भी कई बार चलते चलते मिलते हैं मेरे को तो। लेडी वाली को जैसे मुझे एक मिल गया। कहाँ मिला दिखाओ, छोटा सा टिक है ये तो। ओहो बब्जी निकालने भी नहीं दे रहा है इनको। अभी बब्जी गुस्से में है। लेडी वाली सिट। इस चीज को लग रहा है गुदगुदी चल रही। बेटा गुदगुदी नहीं हो रही, टिक्स निकाल दो तेरे। इसके कान पहले से तो साफ होंगे है ना, राहुल उस दिन डॉक्टर से साफ करा के लाया। साफ ये ठीक है। ये जख्म कहाँ से कैसे हो रहा है इसके? टिक्स थी यहाँ पर, वो हटा दी है ना। तो गाइस मैं आपको बता दूँ टिक्स हटाने जरूरी क्यों है। जैसे हमारे सिर में जुए पड़ जाती है इंसानों के, लाइस कहते हैं जिसको, वैसे ही डॉग्स को टिक्स पड़ जाते हैं। और टिक्स निकालना इसीलिए भी जरूरी होता है क्योंकि इससे टिक फीवर हो जाता है डॉग्स को जो कि बहुत ही ज़्यादा फैटल होता है। उसमें डॉग्स की प्लेटलेट्स बहुत डाउन चली जाती हैं और अननेसेसरी का जोखिम है जो आप अपने डॉग्स के लिए लेते हो। तो जितना साफ रखें उतना अच्छा है। बब्बे कोऑपरेट कर। और अगर टिक्स को ना हटाएं तो वहाँ पे सूजन आ जाती है, बहुत मोटा हो जाता है। ये देखो यार छोटा सा टिक्स यहाँ से हटाया हमने और ये सूज गया है, मोटा हो गया है यहाँ से। यहाँ पे गांठ बन गई है। हाँ। और लेडी ओली वेट कर रही है अपनी टर्न की कि मेरी बारी कब आएगी। जैसे मैंने लेडी ओली बोला एक्टिवेट हो गया ये। ओए मारो अभी एक। ओहो अच्छा मारेगा तू उसको। ये देखो कितना अच्छा तरीका है। नहीं अगर उसके ना चुका होता था ये, अगर टिक्स खुला होता तो उसके ना पेन है इसलिए वो गुस्सा कर रहा है। पेन कहाँ हो रही है इसको? इसके यहाँ इसके हड्डी में, पैरों में जो इसकी हिप्स डिस्प्लेसिया, इसलिए वो मना कर रहा है। देखो बेटे सुन, करना जरूरी है, टिक्स खा जाएंगे तेरे को, मना मत कर, रिजिस्ट मत कर। ये छूने नहीं देगा पैर। इधर देख लूँ मैं? हाँ देख लूँ बब्जी प्लीज। परमिशन लेनी पड़ती है। नहीं कर रहा मैं। चल कोई नहीं, तू ना दवाई स्प्रे लगा पूरे में पहले और फिर ना स्पॉट ऑन दवाई है। ये सुन कहाँ लगानी है मनीष, देख ले। इसको टिक्स निकलवाना पसंद नहीं। No. वैसे मनीष मैं देख रही हूँ तूने बचपन से इसका सब कुछ किया, लेकिन अभी कितना गुर्राता है तेरे पे? क्योंकि ये नस्ली ऐसी है
और ये बस छोटी सी रहती है जब तक ये हंसी खेले, जब ये एक साल हो जाए इसको उसके बाद तो इससे दूर रहो। लेडी भी इसने मुझे दो बार काट लिया है, वो भी ऐसा ही करेगी, वो कैसे दुबक के नहीं, क्योंकि जो गर्ल होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, शांत होती है, शांत होती है, समझदार होती है, तो पागल होते हैं कुत्ते। ऐसे मत बोल, झापड़ मारूंगी, बेटा है मेरा। नहीं मतलब ये समझदार भी बात नहीं मानते, ये बहुत समझदार। हां जी आपकी टर्न अभी आएगी, सिट डाउन, गिरना नहीं है और फ्रैक्चर लेके बैठ जाए। क्या हुआ है, थोड़ा वेट करो, आपके टिक्स मैंने काफी निकाल दिए थे, पर बेटा वो लगवा लो मेडिसिन। रिलैक्स रिलैक्स स्टे, इसमें मजा आ रहा है ना। ऐसे मजा आ रहा है इसको, बड़े बालों में टिक्स ना जल्दी से दिखाई नहीं देते, काटो फिर। वो मोटे टिक्स हमेशा यहाँ पर इस साइड मिलते हैं। अच्छा, इतनी जगह में मिलते हैं वो मोटे टिक्स। ऐसा क्यों? हाँ, बेबी ऑली का भी वही निकला था, क्योंकि इधर ना बहुत सख्त होती है, बहुत खाल, और इधर ना सॉफ्ट होती है, आसानी से खून चूस लेती है। हाँ। देखो का इतना गुस्सा चढ़ रहा है, क्या बात है, क्या होगा इतना गुस्सा करके, क्या उसके पीछे पहुंच गया कि दोबारा गुस्सा आ गया। बेटा कुछ नहीं कर रहा वो, तेरे टिक्स निकाल रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा अब बताएगा कैसे पता। हाँ, क्या हुआ, बोल दूँ, बोल दूँ। मम्मी बाबे, हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ इसके, बस अब तू दवाई लगा दे, निकल गए टिक्स, मर जाएंगे दवाई से। अब बक्सी को हमने टिक्स निकाल दिए हैं जितने इसने निकलवाए, बाकी तो ये भी थोड़ा एग्रीवेट हुआ हुआ है। अब ये वाली दवाई खोल रहा है मनीष, तो ये है स्पॉट ऑन फिप्रोनिल एंड मीथोप्रिन स्पॉट ऑन सॉल्यूशन। ये डॉग्स के बिल्कुल नेक के नीचे और बैक पे थोड़ा सा लगाया जाता है, नेक के पीछे, ताकि इससे बिल्कुल भी टिक्स ना आए। एंटी टिक्स दवाई है, इस पे लिखा भी है जैसे कि आप देख रहे हैं, किल्स प्लीज फ्ली एग्स एंड टिक्स। ये बहुत असरदार दवाई है, हमें डॉक्टर पटेल ने सजेस्ट किया, और ये महीने में सिर्फ एक ही बार लगानी होती है। तुम रोज निकालते हो टिक्स अपने डॉगी के? वो हमारे पास ही बैठा रहता है बिस्तर में। यार तुम्हारे डॉग्स रॉटवाइलर नहीं है? ये भी बात है, लैब्रा तो बहुत अच्छे होते हैं, वो तो फ्रेंडली होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। ये फ्रेंडली है लेकिन सिर्फ अपने उसके लिए, ओनर के लिए। हाँ, क्योंकि जब रॉटवाइलर होता है ना एक साल के बाद, मतलब जब वो छोटा एक साल से कम का होता है ना, वो मतलब सबसे प्यार से व्यवहार करता है। हाँ। और फिर जब एक साल का हो जाता है तो उसको दोनों में से एक चीज चुननी होती है, या मालिक को या फिर जिसने उसकी केयर करी उसके। हाँ, तो इसने जैसे तो मालिक चुन लिया। हाँ, इसने मालिक चुना। तेरे को नहीं चुना, भी उनसे तेरे को नहीं चुना, तो बब्जी ने मनीष को नहीं चुना, बब्जी ने अपने मालिक राहुल को चुना, और मनीष ने जो इसकी केयर, इसका पहला बात, ये वो सब कुछ जो भी किया, इसने उसको नहीं चुना। कैसे मास्क देख मुंह में ले लिया, निकाल लिया भाई उसने मास्क। बब्जी 5 मिनट की बात है बेटा, बीमारी क्यों लेनी है ना, टिक्स गंदी शीशी होता है ना। एक इधर गर्दन पे लगा के थोड़ी फैला दो, तो स्पॉट ऑन लगा रहे हैं बब्जी को। बस पैरों में लगा दो, नहीं खैर दो, उसने मना कर, उसने कहा था यहाँ पूरी बॉडी। अरे खोल दो, चलो हेलो मिलाओ। मैनर्स पूरी है लड़के को, है ना। चलो अब लेडी वाली की बात।